press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सो गाइस ये वीडियो ओनली म्यूचुअल फंड एजेंट के लिए है और अभी से मैं उन लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि दोस्तों अभी आपका जो एआरएन कार्ड है वो आप नया एआरएन नंबर नहीं ले सकते हैं अगर आप एक नया म्यूचुअल फंड एजेंट हो या फिर आप पहले से म्यूचुअल फंड एजेंट है तो आपके एआरएन कार्ड को रिन्यूअल नहीं करा सकते हैं। तो अभी जो एमफी ने डिसीजन लिया है काफी कम लोगों को शायद पता हो क्योंकि ये डिसीजन अभी मंडे को ही लिया गया था और आगे क्या क्या होने वाले हैं अगर एआरएन नंबर ही नहीं मिलेगा फिर उसका रिन्यूअल ही नहीं होगा तो म्यूचुअल फंड एजेंट बनेंगे कैसे लोग, तो ये कैसा इसका सॉल्यूशन है, तो इस वीडियो के लास्ट तक आप देखिएगा, इसका सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है नितिन, आप देख रहे हैं नितिन मिनट यूट्यूब चैनल। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ ऐसी अपडेट के बारे में तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों अभी जो रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जो कि साइट पे देखा था मैंने एमपी की, कि उन्होंने क्लियरली यहाँ पे बोल दिया है कि जो एआरएन नंबर का हम ना रिन्यूअल करेंगे ना नए एआरएन का रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि अभी आपने रिसेंटली अपडेट एक सुना होगा, जो आधार कार्ड हमारे लिए अभी तक काफ़ी इंपॉर्टेंट था, सारी सर्विसेज मतलब हम चाहे बैंक हो आधार सारी जगह पे पैन कार्ड वगैरह पे हमें हमारे प्रूफ के तौर पे हम आधार कार्ड को देते थे और वो इसे एक्सेप्ट भी करते थे कि ठीक है आइए आपका प्रूफ वैलिड है और हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। बाकी अभी से क्या हुआ है कि जो रिसेंटली आपने सुना होगा एक अपडेट आया था कि आधार कार्ड अभी कंपलसरी नहीं है, चाहे आप सिम ले रहे हो या पैन कार्ड आधार फिर पासबुक आपके बैंक में भी आधार कार्ड को एकदम कंपलसरी नहीं किया गया है। तो एमफी अभी तक क्या कर रहा था, जहाँ से आप ऑनलाइन रिन्यूअल करते हैं या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ पे आपका आधार कार्ड का फोटो आपको अपलोड करना पड़ता था तो वो आपका प्रूफ माना जाता था। बाकी एमफी ने अभी देखा है कि यार ऐसा हुआ तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो वैलिड ही नहीं है, तो उन्होंने अभी सारा स्टॉप कर दिया है, उनके साइट पे आप जाएंगे वहाँ पे पूरा क्लोज कर दिया है। कब तक का कोई फर्दर अपडेट उन्होंने नहीं डाली, बाकी एक नोटिफिकेशन उन्होंने बताया है कि हम जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट करने वाले, तब भी हमारा कोई वो कुछ अपडेट कर रहे हैं कि आपके प्रूफ के लिए आपका वोटर आईडी हो सकता है या फिर कुछ अलग भी ले सकते हैं, वो यहाँ पे उसमें कुछ चेंज हो रहे हैं। ज़्यादा आपको अर्जेंट हो तो आप ऑफलाइन इसका कर सकते हैं सॉल्यूशन, उन्होंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है जिसका कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप और भी इसके बारे में डिटेल वहाँ पे कस्टमर केयर पे बात करके ले सकते हैं। तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स की बात नहीं, आधार कार्ड के कारण ही ये सारी प्रॉब्लम्स अभी आ रही है, काफ़ी जल्दी इसको सॉल्यूशन वो निकाल लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, एक छोटा सा अपडेट था जो मुझे लगा कि आपको देना काफ़ी ज़रूरी है। प्लीज़ यार लाइक जरूर करेगा और शेयर करेगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सारे लोग जो कि कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि बार बार मुझे मैसेज कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, एआरएन कार्ड का रिन्यूअल नहीं हो रहा है, तो वो इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आधार कार्ड का जो वो चेंज करने वाले, कुछ फर्दर चेंज जो भी रहेगा उसके अपडेट मैं 100% आपको दूंगा, सबसे पहले आपको इस चैनल पे ही मिलेगी कि कब से स्टार्ट हो रहा है और क्या उन्होंने चेंज करा है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।